फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए, मैं आपके लिए एक और डिजाइन लाई हूँ, भगवान जी का यूनिक हो, सबको आप सभी को पसंद आएगा। देखिए, हम सोचते हैं जैसे कि हमारे छोटे भगवान हैं, तो हम कैसे पहनाएं, क्या करें। तो ये जो छोटे भगवान जी हैं, मैंने उनके लिए इस तरह का ये ड्रेस बनाया है। कोई भी कलर आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो देखिए, ये इसका ये है, ये मैंने सैंपल अलग से रखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कैसे बनाना है। तो इसको बनाने में भी बहुत आसानी है और पहनाने में भी बहुत आसानी है। देखिए, जो छोटी मूर्तियां हैं हमारे भगवान जी की, उन पे ये बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपको पसंद आए, देख भी रहे होंगे आप। और ये हमारे विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माँ हैं, क्यों इनके इस तरह के कपड़े सूट नहीं कर सकते, फिटिंग नहीं आएगी। जैसे हमारी फिटिंग जरूरी है, इनकी भी फिटिंग जरूरी है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि इधर उधर को भागते रहें, इसलिए मैंने इनके लिए एक शॉल बनाया है, आप देख सकते हैं। और ये ऐसे करके ये शॉल बनाया है, और ये इसको ऐसे, आप ये देखिए, ये मैंने एक शॉल बनाया है दोनों तरफ से। आप देखिए, कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी डाल सकते हैं। अगली वीडियो में मैं और अच्छा एक डिज़ाइन डाल के बनाऊंगी। और ये देखिए, इसको पहनाने में भी आसानी है और ये बांधने में भी बहुत आसानी है। बिल्कुल ये फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है, और फिटिंग ना आए तो भगवान जी के कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। और ये मैंने दुर्गा माँ के लिए बनाया है। देखिए, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही सुंदर भी है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और ये हमारी दुर्गा माँ हैं। जिस तरह के भी डिजाइन हो देवी देवताओं के, उसी तरह के अगर आप ड्रेस बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इन माँ के लिए मैंने ये एक ऐसा ड्रेस बनाया है, जिसे आप ये देखिए, अपने हिसाब से आप जहाँ भी फिट बैठे फिट कर सकते हैं। और ये लंबे लंबे ये छोरे बनाए हैं, शॉल बनाया है। बाय।